हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसमें आपको पेज नंबर 16 निकालना है। पेज नंबर 16 पे हमारा चैप्टर है सेकंड, चैप्टर 2, एडवांस फीचर इन द एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने अलग अलग तरह से फीचर आए हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो इधर लड़का लड़की क्या बात कर रहे हैं। लड़की बोल रही है गीगाबाइट, आई कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, बट इज देयर एनी वे आई कैन प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट इन अ मोर सुटेबल मैनर्स। हाँ तो लड़की क्या बोल रही है, गीगाबाइट मैं एक एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, पर किस तरह से उसे बनाऊं जिससे वो बहुत ही अच्छा दिखे। हाँ तो लड़का क्या कह रहा है, यस चिप यू कैन यूज द एमएस वर्ड एप्लीकेशन टू मेक योर टेक्स्ट प्रेजेंटेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग। उसमें तुम एमएस वर्ड का यूज कर सकते हो, इससे तुम अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा बना सकते हो। उसमें अलग अलग तरह के वेरियस ऑप्शन है, जैसे कि लिस्ट, हेडर एंड फुटर, टेबल्स एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तुम उसमें हेडर और फुटर, टेबल्स वगैरह यूज करके तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तभी पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में टाइटल क्या लिखा है, लेट्स रिवाइज सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन द वर्ल्ड। हाँ तो एमएस वर्ड में कौन कौन से फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो बच्चों ये सभी कमांड हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में तो कर ही चुके हैं, उसका थियरी पोर्शन आज हम देखेंगे। फर्स्ट है अंडू, द रिवर्स टू द रिवर्स द इमीडिएट प्रीवियस एक्शन। अंडू का मीनिंग क्या होता है, अंडू से क्या होता है, जो भी हम वर्ड डिलीट करते हैं वो वापिस ऐड करने के लिए, मतलब रिवर्स करने के लिए उसका यूज होता है। तो उसकी उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। अंडू का यूज क्या होता है, कोई भी ऑप्शन जो हम डिलीट करते हैं उसे रिवर्स ऐड करने के लिए अंडू का यूज होता है। अंडू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है रीडू, टू रिवर्स द प्रीवियस अंडू कमांड और टू रिपीट द कमांड। मतलब रीडू से क्या होता है, जो अंडू कमांड हमने ऐड किया है उसको रिपीट करने के लिए इस रीडू कमांड का यूज होता है। रीडू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट है फाइंड, टू सर्च अ पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट। फाइंड का मीनिंग है हमें कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, मतलब कोई भी वर्ड फाइंड करना है और कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो वो हम फाइंड ऑप्शन से कर सकते हैं। तो फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट है रिप्लेस, टू अल्टर द वर्ड और टेक्स्ट। रिप्लेस का मतलब है कोई भी वर्ड या टेक्स्ट हमें रिप्लेस करना है, मतलब दूसरे वर्ड में ऐड करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। चेंज केस, चेंज केस से हमें क्या कर सकते हैं वो भी ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल में कर चुके हैं, टू चेंज द केस ऑफ योर टेक्स्ट इन 5A। पांच अलग अलग तरह से हम सेंटेंस केस में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में हम प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोअर केस, लोअर केस का मतलब सभी वर्ड हम स्मॉल में कर सकते हैं। देन अपर केस, अपर केस का मतलब है सभी टेक्स्ट हम कैपिटल में कर सकते हैं। फिर कैपिटल ईच वर्ड, तो जो भी वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देन लास्ट इज टोगल केस, टोगल केस में क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी का जो भी वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। तो फर्स्ट इज सेंटेंस केस, सेकेंड लोअर केस, थर्ड इज अपर केस, फोर्थ इज कैपिटल ईच वर्ड एंड फिफ्थ इज अ टोगल केस। नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट, टू अरेंज द टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन ऑफ द पेज। अलाइनमेंट का मतलब है जो भी टेक्स्ट हमने कंप्यूटर वर्ड में टाइप किया है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट, कंट्रोल एड,
तो लेफ्ट करेंगे तो सभी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में हो जाएगा। फिर है राइट, कंट्रोल प्लस आर, राइट करेंगे तो सभी टेक्स्ट राइट में आ जाएगा। देन सेंटर, कंट्रोल प्लस ई, सेंटर में करेंगे तो सभी टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। एंड जस्ट लास्ट इज जस्टिफाइड, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई करेंगे तो पेज वाइज वो एडजस्ट हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब एडजस्ट। देन सेकेंड है हमारा वर्ड एड, टू एड द डिफरेंट इफेक्ट टू द टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट में अगर डिफरेंट स्टाइल एड करनी है तो वर्ड एड का यूज करेंगे। वर्ड एड से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग अलग तरह की टाइल्स, अलग अलग तरह की स्टाइल और इफेक्ट दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वाप टेक्स्ट, टू फीड द टेक्स्ट अराउंड एनी इमेज इन द डिफरेंट वे। तो कोई भी पिक्चर के अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो किसका यूज करेंगे, वाप टेक्स्ट। वाप टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज के अंदर हम डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। देन सेकेंड है हमारा पेज बॉर्डर, वो तो आपको पता ही होगा, टू इंसर्ट अ बॉर्डर टू द डॉक्यूमेंट। वर्ड के अंदर हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके पेज के अंदर हमें बॉर्डर देनी है तो क्या करेंगे, पेज बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। पेज बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसके पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। देन पेज कलर, टू गिव अ बैकग्राउंड कलर टू द डॉक्यूमेंट। पेज कलर से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी कलर करना है वो सिलेक्ट करके पेज कलर ऐड करके हम बैकग्राउंड के अंदर कलरिंग कर सकते हैं। देन वाटरमार्क, अ वाटरमार्क इज अ ग्राफिक और वर्ड डिस्प्ले एज बैकग्राउंड टू अ रिटन डॉक्यूमेंट। वाटरमार्क का मतलब है अगर हमें कोई भी ग्राफिक्स या वर्ड, मतलब कोई भी टेक्स्ट या वर्ड डिस्प्ले के अंदर, मतलब कोई भी टेक्स्ट हमने ऐड किया है उसके बैकग्राउंड में ऐड करना है तो वो कोई भी नेम या वर्ड टाइप करके आप बैकग्राउंड के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में वाटरमार्क ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें इंसर्ट में जाके वाटरमार्क सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट और द एंटर डॉक्यूमेंट। अगर आपको वर्ड के टेक्स्ट में कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना है तो क्या करेंगे, पहले उसे सिलेक्ट करके हम स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें बताएगा कि वो स्पेलिंग या ग्रामर करेक्ट है या रॉन्ग। तो वो जानने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर। देन नेक्स्ट है हमारा थ्रेशर्स, टू सर्च द साइनोमस एंड ऑटोनोमस ऑफ सर्टेन वर्ड, मतलब सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड। अगर टेक्स्ट के अंदर आपको चेक करना है कि आपने जो भी वर्ड टाइप किया है उसका सिमिलर वर्ड कौन सा है और डिफरेंट वर्ड कौन सा है, वो जानने के लिए आपको थ्रेशर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और थ्रेशर वर्ड का शॉर्टकट की कौन सी है, थ्रेशर वर्ड की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। तो ये हमारा वर्ड का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो उसके आगे हमें वर्ड में कौन सी थियरी करनी है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। टू हैव लर्न हाउ टू यूज द बेसिक टूल इन MS वर्ड टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। तो आज हम देखेंगे कि MS वर्ड में सभी अलग अलग बेसिक टूल्स आए हैं, उसका यूज हमें कैसे करना है जिससे हम डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन एनहांस टू प्रिपरेशन द प्रेजेंटेशन ऑफ द टाइप कंटेंट ऑन द डॉक्यूमेंट बाय अप्लाइंग द वेरियस फॉन्ट एंड स्टाइल। तो प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट में आप अलग अलग तरह के फॉन्ट्स और टाइल्स, फॉन्ट्स का मतलब अलग अलग टेक्स्ट और अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वर्ड हैज मेनी मोर एडवांस टूल एंड ऑप्शन, वर्ड में अलग अलग तरह के एडवांस टूल्स है और अलग अलग तरह के ऑप्शन है, लाइक हेडर एंड फुटर।
then bulleted list and making use of table to add the text or number and perform the calculation on them. जैसे कि header, footer, bulleted list and making use of table, मतलब table भी बना सकते हो, add text or add number, perform to calculation. Table में number add करके उसे उसका calculation भी कर सकते हो. Then next page, header and footer. The header is a section of the document that appear in the top margin, while the footer is a section of the document that appear in the bottom margin. तो header section जो क्या होता है, header section अगर हम select करेंगे तो वो document के top margin मतलब document के ऊपर एक margin आ जाएगा, और footer section select करेंगे तो क्या होगा, document के bottom में, bottom मतलब नीचे की side में, bottom मतलब नीचे की side में मार्जिन हो जाएगा. तो हेडर से ऊपर मार्जिन होता है और फुटर से नीचे की साइड में मार्जिन हो जाता है. हेडर एंड फुटर आर यूज्ड इन मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट फॉर इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट दैट यू वांट टू अपर ऑन एवरी पेज सच एज द टाइटल, पेज नंबर, डेट और कंपनी लोगो. हेडर फुटर से आप क्या ऐड कर सकते हो, हेडर फुटर से आप इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, पेज नंबर, टाइटल, डेट और कंपनी का लोगो, वो सब आप ऐड कर सकते हो. तो स्टेप टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर, हेडर फुटर ऐड करने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं वो हम देखेंगे. स्टेप नंबर वन, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड हेडर एंड फुटर ग्रुप. हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करके हेडर एंड फुटर टैब सिलेक्ट करना है. देन स्टेप नंबर टू, क्लिक ऑन द हेडर कमांड और फुटर कमांड. हेडर कमांड क्लिक करना है और फुटर कमांड क्लिक करना है. स्टेप नंबर थ्री, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल ओपन शोविंग योर बिल्ट इन अ ऑप्शन. अगर आप हेडर फुटर कमांड ओपन करेंगे तो वो मेनू ओपन हो जाएगा और हमें दिखेगा कि कौन कौन से स्टाइल के हेडर फुटर आते हैं, उसके ऑप्शन हमें वहां पे दिखाएंगे. स्टेप नंबर फोर, सिलेक्ट एनी हेडर एंड फुटर स्टाइल. आपको कोई भी हेडर और फुटर की स्टाइल सिलेक्ट करनी है, इट विल बी अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है. हेडर फुटर की कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करके उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना है. स्टेप नंबर फाइव, द हेडर एंड फुटर कैन बी एडिट. ना अगर आपको हेडर फुटर एडिट करना है तो क्या करेंगे, तो हेडर फुटर की स्टाइल चेंज करने के लिए आपको हेडर फुटर की स्टाइल में ऐड करके आपको जो भी पसंद है वो आप हेडर फुटर सिलेक्ट कर सकते हो. द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट विल अपर टीम मतलब जो भी हेडर में आपको टेक्स्ट दिया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. स्टेप नंबर सिक्स, टाइप द टेक्स्ट एज रिक्वायर इन द हेडर फुटर. जो भी आपको हेडर और फुटर में टेक्स्ट ऐड करना है वो आपको डिलीट करके टाइप करना है. स्टेप नंबर सेवन, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन टू कम आउट ऑफ द हेडर फुटर इंसर्शन मोड. अगर पूरा हेडर फुटर का टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर सेवन, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर. तो क्लोज हेडर एंड फुटर का बटन आपको क्लिक करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट में जो आपने हेडर फुटर ऐड किया है वो इंसर्ट हो जाएगा. देखो इधर नीचे हेडर फुटर का ऑप्शन दिया है, जैसे हमने प्रैक्टिकल में किया था ना, इस तरह से दिखाया है. हेडर फुटर का ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल की हेडर फुटर आएगी, उसमें से आपको जो भी पसंद है वो सिलेक्ट करना है. हेडर फुटर सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से ऊपर एक मार्जिन आ जाएगा और फुटर ऐड करोगे तो नीचे मार्जिन आ जाएगा. उसके बाद आपको लास्ट में सब कुछ ऐड करके क्या सिलेक्ट करना है,
क्लोज हेडर एंड फुटर बटन। सभी टैग्स ऐड करके लास्ट में क्या करना है, हेडर फुटर क्लोज बटन। देन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या है, टू रिमूव द हेडर और फुटर फ्रॉम द फर्स्ट पेज। अगर आपको हेडर फुटर फर्स्ट पेज में से रिमूव करना है तो क्या स्टेप फॉलो करना होगा, स्टेप नंबर वन, क्लिक ऑन द हेडर और फुटर। हेडर और फुटर पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद हेडर एंड फुटर टूल विल बी एक्टिव। अगर आप हेडर फुटर पे क्लिक करोगे तो हेडर फुटर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद गो टू द डिजाइन टैब, उसके बाद जो हेडर फुटर की डिजाइन टैब है उस पे हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट गो टू द ऑप्शन ग्रुप, हम डिजाइन टैब में क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, गो टू द ऑप्शन ग्रुप। एंड देन नेक्स्ट चेक द डिफरेंट फर्स्ट पेज चेक बॉक्स, उसमें से हमें देखो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो हमें सिलेक्ट कर देना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। वो सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टेप नंबर टू, हेडर एंड फुटर आर रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेडर फुटर रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट पेज में से हेडर फुटर रिमूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट टू मेक द हेडर एंड फुटर डिफरेंट फॉर ऑड एंड इवन पेजेस। अगर आपको हेडर फुटर ऑड और इवन पेजेस में ऐड करना है तो क्या स्टेप फॉलो करना होगा, स्टेप नंबर वन, क्लिक ऑन द हेडर और फुटर। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमें हेडर और फुटर पे क्लिक करना होगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्लिक द डिजाइन टैब, हेडर फुटर पे आप हम क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, डिजाइन मोड, डिजाइन मोड पे हमें क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर टू, गो टू द ऑप्शन ग्रुप एंड चेक द डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस चेक बॉक्स। तो हमें ऑप्शन ग्रुप में जाना है, वहां पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। देखो इधर पिक्चर में आपको दिखाया है, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट टू रिमूव द हेडर और फुटर, अगर आपको हेडर और फुटर पेज में से रिमूव कर देना है मतलब डिलीट कर देना है तो कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा, स्टेप नंबर वन, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे फर्स्ट आपको क्लिक करना है मतलब इंसर्ट टैब ओपन करनी है। देन नेक्स्ट गो टू द हेडर एंड फुटर ग्रुप, आपको हेडर और फुटर ग्रुप सिलेक्ट करना है, स्टेप नंबर टू, क्लिक द हेडर और फुटर, हेडर और फुटर पे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन मेनू द विल ओपन। तो हेडर और फुटर का जो मेनू होगा वो ओपन हो जाएगा, स्टेप नंबर थ्री, क्लिक रिमूव हेडर और रिमूव फुटर। आपको हेडर रिमूव का ऑप्शन मतलब रिमूव हेडर और रिमूव फुटर वो ऑप्शन आपको क्लिक करना है, स्टेप नंबर फोर, द हेडर और फुटर इज रिमूव फ्रॉम द एंटर डॉक्यूमेंट। आप रिमूव हेडर और रिमूव फुटर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट में जो आपका हेडर फुटर ऐड होगा वो रिमूव हो जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा। देखो इस पिक्चर में आपको दिया है, लास्ट में ऑप्शन क्या है, रिमूव हेडर, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी हेडर होगा वो डिलीट हो जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन क्या करना है, रिमूव फुटर, वो ऐड करेंगे तो जो नीचे मार्जिन आई होगी फुटर की वो भी डिलीट हो जाएगी। देन टर्न योर पेज, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या होगा वो हम आज देखेंगे। अ बुलेट्स इज अ डॉट और अ सिंबल दैट मेक अन इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन या इम्पोर्टेंट मैसेज या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिख रहे हो उसके लाइन के आगे आप जो सिंबल और डॉट ऐड करते हो उसे बोलते हैं बुलेट्स। जो भी लाइन के आगे आप सिंबल ऐड करते हो उसे बोलते हैं बुलेट्स। बाय डिफॉल्ट द वर्ड यूज अ सिंपल ब्लैक डॉट एज अ बुलेट। हाँ तो जो वर्ड में हम सिंपल ब्लैक डॉट यूज करते हैं उसको भी कहते हैं बुलेट्स।
यू कैन एड द बुलेट्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स यू वांट टू मेक। अलग अलग सेंटेंस में आप अलग अलग स्टाइल के बुलेट्स एड कर सकते हो, मतलब अलग अलग स्टाइल के सिंबल एड कर सकते हो। द बुलेटेड पॉइंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, आप जो भी सिंबल ऐड करना चाहते हो बुलेटेड लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। वर्ड अलो यू कैन क्रिएट द बॉट बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर लिस्ट। वर्ड आपको अलो करता है बोथ ऑफ लिस्ट, मतलब बनने लिस्ट, जैसे कि बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर लिस्ट। तो बुलेटेड लिस्ट हमें कैसे ऐड करना है उसके बारे में हमें सीखना है। तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। क्रिएटिंग अ बुलेटेड लिस्ट, स्टेप टू अ क्रिएट बुलेटेड लिस्ट आर गिवेन एज अ फॉलो। इसमें से आपको बुलेट लिस्ट ऐड करने के लिए ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर वन, प्लेस योर कर्सर वेर यू वांट टू स्टार्ट द लिस्ट और सिलेक्ट द पैराग्राफ यू वांट टू इंक्लूड इन द लिस्ट। मतलब आप जो भी सिंबल ऐड करना चाहते हो वो सेंटेंस के आगे आपको माउस का कर्सर ले जाना है और पूरा सेंटेंस आपको सिलेक्ट करना है और जो भी ऑप्शन मतलब जो भी सिंबल आपको ऐड करना है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर टू, क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पे क्लिक करके आपको पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। पैराग्राफ ग्रुप में जाके आपको क्लिक द बुलेट ड्रॉप डाउन मेनू एरो, बुलेट वाला जो ऑप्शन मेनू है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर थ्री, द बुलेट लाइब्रेरी ओपन्स। बुलेट ड्रॉप डाउन मेनू में आप क्लिक करोगे तो बुलेट लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। देन स्टेप नंबर फोर, चूज अ बिल्ड स्टाइल एंड स्टार्ट द टाइपिंग। उसमें से आपको जो भी सिंबल सिलेक्ट करना है मतलब जो भी बुलेट स्टाइल सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करके आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। तो आप जो भी सेंटेंस लिखोगे उसके आगे आपको सिंबल आ जाएगा, जो भी आपने सिंबल सिलेक्ट किया होगा वो सेंटेंस के आगे ऐड हो जाएगा। देखो इस पिक्चर में आपको बुलेट की स्टाइल दी गई है, अलग अलग तरह की बुलेट स्टाइल है, उसमें से आपको जो भी पसंद है वो आप सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हो। तो बच्चों आज का हमारा ये बुलेट की थियरी कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम आगे की थियरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।